तो आज मैं बहुत खुश हूं और मेरी छात्रा वर्षा भी बहुत खुश होगी, निश्चित रूप से खुश होगी। और हमारे लिए ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है कि जो एक परंपरा हमारे परिवार में, सिमेज को मैं परिवार मानता हूं, और सिमेज परिवार में इसके सीनियर, इसके जो सुपर सीनियर्स थे, जो जिनको ये देखती रही कि भाई वो भी टॉप करते रहे। जब इसने एडमिशन लिया, देखा कि भाई हमारे सिमेज संस्थान के बच्चे टॉप कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, उनको गोल्ड मेडल मिल रहा है। और इस बच्ची को फर्स्ट, वेरी फर्स्ट ईयर से और फर्स्ट सेशन से मैंने आइडेंटिफाई किया, इसकी मेहनत को देखा और लगन भी थी इसके अंदर में, सवाल पूछने की जिज्ञासा भी रही, कई सारे वर्कशॉप्स हुए और डांटा भी बहुत है मैंने इसको। मैं इस चीज को मानता हूँ कि वर्षा को मेरे से डांट भी बहुत पड़ी है, उसके बावजूद वर्षा जो है वो अपनी बात मेरे तक रखने का हिम्मत रखती थी। और ये हिम्मत तुम रखना बेटा हमेशा हर जगह, ये हिम्मत ताकत तुम्हारे में हमेशा रहनी चाहिए। और मेरे संग इसको एक्सएलआरआई में जाने का अनुभव मिला, गोल्ड। आज हाँ, पहला मुख्य बात तो बताना ही, देखो एक्साइटमेंट में भूल गया, जिसके लिए मैं खुश हूँ कि वर्षा को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बीबीए के कोर्स में विश्वविद्यालय टॉपर बनने के लिए स्वर्ण पदक मिला है। महामहिम राज्यपाल ने वर्चुअल कॉन्वोकेशन हुआ और इसे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। एक बार सभी हम लोग यहाँ पर इसके लिए, और ये हमारे लिए गर्व का अवसर है, और ये अवसर हमें साल दर साल मिल रहा है, तो जरूर जाहिर तौर पर इसमें हमारे बच्चों की मेहनत है और हमारे शिक्षकों की मेहनत है। वो पद्धति जो हमारे यहाँ पढ़ाई की है, और जिस तरीके से इन लोग को फोर्स करते थे कि क्लास करना है, एब्सेंट नहीं होना है, ऐसे ये एब्सेंट होती नहीं थी। हाँ, ये एब्सेंट होती नहीं थी, सीआर थी अपने क्लास की और अपना सारे बच्चों का रिपोर्ट भी यही सबमिट करती थी। तो वर्षा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। नाउ यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी। नाउ यू कंक्लूडेड, कंक्लूड तो हम लोगों ने एक तरह से फेयरवेल पिछले साल मनाया था, लेकिन एक तरीके से तुम्हारा आज यहाँ पर कॉन्वोकेशन के बाद जो है ये कंक्लूड हो रहा है, तो तुम अपने इस 3 साल की जर्नी को समाप्त करो, आगे आ जाओ तुम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, सर ने बोला कि डांट डांट इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, वो लाइफ में इम्पोर्टेंट थी। जब तक आप डांटते नहीं तो मैं सीखती कैसे? सारे टीचर, कई बार ऐसा हुआ है मेरे पैदा रंजीत, कई बार ऐसा हुआ है कि इसको डांट के हमको अफसोस हुआ है और इसको मैसेज तक भेजे हैं। हाँ, हमको इसको डांटने के बाद अफसोस हुआ बच्चे को। कभी कभी बच्चे को डांटने के बाद जो है, इसके लिए ही नहीं और भी बच्चों के लिए, कि डांट तो दिए लेकिन फिर लगता है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। इसके संग वैसा इंसिडेंट हुआ हुआ है मेरा। फिर उसको हम लिख करके, हम ये नहीं है कि टीचर है तो हम दोबारा लिख नहीं सकते, हम उसको लिखे कि बाबू। हाँ, तो हम, हाँ मेरे संग ये चीज है कि हम अगर डांट देते हैं ना तो फिर हम बोल देंगे कि हमको डांटना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो सर ने बताया वो तो हमें फर्स्ट डे से ही सिखाया गया था कि कुछ भी है तो हैंड रेस करना है। ये फर्स्ट डे जब हम लोग ने अटेंड किया था तो उसी दिन इसके चक्कर में ही जमशेदपुर गए थे, ये हमको बोली थी कि सर हम लोग को ले चलिए। यस सर, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ के जितने भी फैकल्टी। बाकी इसका घुटना बहुत दुखा वहाँ पे, इसको सुबह सुबह 4 बजे एक्सरसाइज करवा दिए थे। वो तो फर्दर है सर, लेकिन हाँ ये ओवरऑल मैं जर्नी को एक कंक्लूड करती हूँ तो एक लाइफ के एक्सपीरियंस मैं खुद शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी हमें ना नेवर सेटल विद कि एक्सक्यूज और एक गोल सेट करके वहाँ पे सेटल नहीं होना चाहिए हमें। यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर और यू हैव वीक एक्सक्यूजेस। ये हमेशा से डायरेक्टर सर ने बताया, मैंने भी इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अभी मेरा गोल अचीव हो गया लेकिन नहीं हुआ, आज का गोल ये था, नेक्स्ट डे का कोई और होगा। ऐसे ही बच्चों को और भी फर्दर रोज का गोल सेट करना चाहिए और जब तक अचीव करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आ जाना चाहिए कि हाँ कल का ये टारगेट है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ओवरऑल सारी फैकल्टी, अब बड़ा टारगेट चाहिए वर्षा। यस श्योर सर, अब तुम्हारे को बड़ा टारगेट रखना होगा और मैं तुमको एक तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से टारगेट दे रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू सी यू एट ए डिसेंट IIM। तुम अभी सिमेज के प्लेसमेंट से ICICI बैंक में हो, गच्ची बावली का तुम्हारा वो ऑफिस बहुत इंटरेस्टिंग है और वहाँ पर जितने हैदराबाद में और वहाँ तुम्हारे जितने साथ में सिमेज के बच्चे हैं, दे आर डूइंग गुड और सब अच्छी अच्छी कंपनियों में मूव कर रहे हैं, IBM में, अमेजन में, कॉग्निजेंट में और अलग अलग कंपनियों में वो लोग कर रहे हैं, फ्रैंकलिन टेम्पलेटेंट में, एक्सिस में। लेकिन मेरा टारगेट तुम्हारे लिए करियर का नहीं है, अभी एकेडमिक का है। मैं चाहता हूँ कि तुम IIM में जाओ, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, यू वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट आई बिलीव। हाँ, अब तुम चूंकि जॉब में चली गई हो तो वहां समय कम मिल रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हारे को वर्क फ्रॉम होम की जगह पर हैदराबाद पोस्टिंग दे, हमको लगता है तुम्हारा पोस्टिंग हैदराबाद में ही है। yes, तुम अभी कॉन्वोकेशन के लिए पटना आई हो। yes,
तुम वहां पर टाइम या कोई भी अच्छा कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन करो और अपना एक रूटीन बनाओ जिसमें तुम डेली कुछ समय डिवोट करो टुवर्ड्स, उसको बंद कर दो और तुम्हारा बजाय क्या, तो डेली कुछ समय डिवोट करो टुवर्ड्स कैट प्रिपरेशन। मैट का फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ कैट का फॉर्म भरना है, चाहो तो जेड भर देना क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जेडीएस में पढ़ने की इच्छा होगी। बिल्कुल सर, हाँ, मैं अभी यही बोलने वाली थी कि जेड का फॉर्म भर देना। हाँ, और एक दो फॉर्म एनमैट वगैरह के भर सकते हो। एक्सपीरियंस तुमको 3 साल का हो जाएगा, तुम वहाँ आईएसबी हैदराबाद का फॉर्म भर सकती हो, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आईएम से भी ज्यादा प्रीमियर है, और तुम अगर हैदराबाद में थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो तुम आईएसबी का कैंपस देख पाओगी। हाँ, और वो अपने आप में एक बहुत ही मार्वेलस जगह है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो आईएम अहमदाबाद में जब मैं पढ़ता था तो वो लोग अब आईएसबी में हैं, तो इसलिए मेरा लक्ष्य तुम्हारे लिए यही है और ये अचीवेबल है। बसरते कि तुम सैलरी की चकाचौंध में पैसे को देख करके तुम्हारा सारा ध्यान उसी पर ना लग जाए, शॉपिंग वॉपिंग करने में, घूमने फिरने में सारा ध्यान उसी में लग जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। नहीं तो तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, हजारों बच्चों के बीच में से तुम सबसे टॉप बन के निकल के आई हो, और उसी तरीके से वहां पर भी तुमको हजारों के बीच में से निकल के आना है, कैट क्वालिफाई करना है, और तुमको हम बता दे रहे हैं कि तुम तैयारी करो, आई एम उदयपुर, आई एम गया और आई एम रांची, ये सब तुमको आराम से मिलेगा, तुमको वो लेना ही नहीं है। तुमको लेना है तो सिर्फ आई एम लखनऊ, आई एम बेंगलोर, आई एम कोलकाता, आई एम अहमदाबाद, इंदौर, नहीं हो तो त्रिची, बस ज्यादा बेंगलोर, इससे ज्यादा तुमको इधर उधर नहीं होना है और तुम वो निकाल सकती हो। बिल्कुल, तो लक्ष्य ले लो, डिसाइड कर लो, दृढ़ निश्चय बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, और गोल्ड मेडल पाई हो तो इस चीज को बना लो कि भाई ये मेरा गोल्ड मेडल उसी दिन सफल होगा जिस दिन सर का ये सपना पूरा करें और मेरा सपना तुम्हारा सपना बन जाए बेटा। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेरा हमको एक स्टूडेंट चाहिए आईएम में, और फिर तुम्हारे से मिलने अहमदाबाद आएंगे। जी बिल्कुल, हाँ, अपने टीचर लोग से भी मिलेंगे और सबको बताएंगे कि सर मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है, सबसे परिचय तुम्हारा करवा देंगे वहां पर, हाँ, और उसका लाइफ में अलग तुमको एडवांटेज मिलेगा। आई बिलीव योर फैमिली इज वेरी अकोमोडेटिव, वो तुमको थोड़ा समय देगी। यस सर, क्योंकि इसमें तुमको 1 साल की तैयारी कम से कम लगेगी और 2 साल का कोर्स, तो तुम्हारे पास 3 साल का समय होना चाहिए। और एक मैसेज तुम दो जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि तुम्हारा अटेंडेंस अच्छा था, और बहुत से बच्चे हैं जिनका अटेंडेंस कमज़ोर होता है, उनको लगता है कि बिना आए भी काम हो जाएगा, तुम उसके बारे में बताओ। बिल्कुल, अगर यहाँ पे बेसिक से पढ़ाई होती है, अगर हम लोग एक दिन मिस करते हैं तो दूसरे दिन क्या हमको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे एक एक फैकल्टीज है जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो ये अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस बोलने की जगह मैं बोलना चाहूंगी कि आपका प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलर वे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली जो भी टारगेट है वो अचीव जरूर करेंगे, और ये सारे फैकल्टीज मिलकर हमें अचीव करने पे तो पूरा हेल्पफुल रहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कि हाँ कोई एक बार गोल्ड मेडल उसको दिखा तो दो, लोग देखे तो कि शुद्ध सोने का मेडल मिला है जैसे नीरज चोपड़ा को मिला। तो हमारे यहाँ भी तो एक स्वर्ण पदक आया, और स्वर्ण पदक हर साल आता है, कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ पहले वर्ष से जब हमारे यहाँ स्वर्ण पदक नहीं आया है, और भगवान करे ईश्वर करे तुम लोग बच्चे लोग हमेशा स्वर्ण पदक आते रहे। इन लोगों इसको नए बैच के बच्चों से भी मिलाने ले चलते हैं। ठीक है, आओ तो तुम क्लास में आओ, चलो 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 कैमरा ऑन रखो, चलो। गोल्ड मेडलिस्ट बीबीए आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, आज इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, तुम्हारी सीनियर, जोरदार तालियों के साथ तुमको। इसलिए क्लास में लेकर के आए तुम्हारे एग्जाम के बीच में कि समझ लो बच्चे, परंपरा कायम रहनी चाहिए। स्वर्ण पदक हर साल सिमेज में आया है, एक वर्ष भी ऐसा नहीं हुआ जब सिमेज में स्वर्ण पदक नहीं आया। अब इसमें तो बच्ची ने अपना धर्म निभाया, अब जिम्मेवारी किसकी है, तुम लोगों की है ना, तो इसको कायम रखना है, और इनको शुभकामना आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए। तो एक एक चीज फॉलो करना है, बेसिक से पढ़ोगे डेफिनेटली टारगेट अचीव होगा, लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद भी वहाँ सेटल नहीं होना है, आगे फिर से टारगेट सेट करना है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाएगी आज, बहुत हमको अच्छा लग रहा है इसका सुन करके। थैंक यू, ऐसे ही पढ़ाई करो, एग्जाम्स भी अच्छे से जाएंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। थैंक यू।
रंजीत वेरी गुड न्यूज, आप लोग को मालूम है कि साल दर साल हम लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी टॉपर्स प्रोड्यूस होते रहे हैं एंड दिस टाइम वी हैव गॉट वर्षा 2018 एंड 21 सेशन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और अभी अभी शी हैज जस्ट रिसीव्ड द मेडल एंड शी हैज कम हियर और मुझे लग रहा है कि ये परंपरा आप लोग भी आगे कायम रखेंगे सभी स्टूडेंट्स और 2016 के सेशन से हम लोग को मेडल्स मिलते रहे हैं और इस साल भी वर्षा की वजह से मेडल मिला है। वर्षा ऑलरेडी प्लेस्ड भी हो चुकी है एक्स्ट्रा मंथ में भी ऐसे हैदराबाद एक्स्ट्रा मार्क्स में भी हुआ था तुम्हारा ना इसका सिलेक्शन एक से ज्यादा जगह पे हुआ एक्स्ट्रा मार्क्स में भी हुआ था जिसमें इसने काम किया और अभी आईसीआईसीआई हैदराबाद में शी इज वर्किंग और आईसीआईसीआई हैदराबाद से केबल कॉन्वर्सेशन को अटेंड करने के लिए आई दो दिन पहले इसको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड शी डिसाइडेड दैट शी हैज टू अटेंड दिस पर्टिकुलर कॉन्वोकेशन एंड शी इज हियर। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एक बार जोर से तालियों से करिए। इस हिस्ट्री को आप लोग भी रिपीट करेंगे और आपके सामने एक यूनिवर्सिटी टॉपर है जो आप लोगों के साथ पढ़ी, आप लोगों की पढ़ी पूरी तो हुई, तीन साल पढ़ी आप लोग तो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के हो सब लोग सेकेंड ईयर में, ऑलराइट। सो अभी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया वो शी इज द टॉपर, ठीक है। कॉन्सोलेशन सर्टिफिकेट ठीक, क्या मास्क डाले और कुछ अपने आप को लाइफ के सेटल करो, मतलब पेपर दे रहे हो इट्स ओके, लेकिन सर यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज और भी देते हैं तुमको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, सबको बेसिक में रख के आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ऑर्डिनरी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना के लिए वो टारगेट अचीव करो और जो भी है आपके पेपर्स लो, उसके साथ साथ डिफरेंट जैसे एडिशनल कोर्सेज भी होते हैं यहाँ सर, तो अभी आप इंट्रोड्यूस करेंगे ये एडिशनल कोर्सेज तो सारे में आपको अचीव करना है, ये मेरा मैसेज होगा। उसके लिए पर्दा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड जो रहना चाहिए। अच्छा वर्षा एक सवाल, तीन साल पहले जब तुम कॉलेज ज्वाइन की थी तो सोची थी कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर करोगी, एक साथ दो दो कंपनियों का जॉब ऑफर होगा, सोची थी मतलब ऐसा क्या लगा था, क्या लगा उसको? मुझे आज भी याद है उदार साथ के साथ मेरा इंटरव्यू था और उन्होंने बोला कि 1-10 पे स्केल करना है, मैंने 6 और 6.5 चूज किया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर का ये था वाई नॉट 10, तो मैंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे यहाँ तो अचीव करना है, लेकिन स्टिल मैं अभी रेट करूँगी खुद को 9.5 क्योंकि ऐसे नहीं होता कोई भी इम्प्रूव कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़ो, पूरे सेवेंच परिवार की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, पूरे कॉलेज की तरफ से खूब आशीर्वाद है, जैसा हमारे तरफ से सभी बच्चों का रहता है, बहुत आगे बढ़ो, खूब चलती हो, जैसे जस्ट द बिगनिंग, रुकना नहीं है, दो तीन साल नौकरी करो उसके बाद फिर मास्टर्स की भी पढ़ाई करो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बाकी AKU की BBA की यूनिवर्सिटी टॉपर है, एक बार जोरदार ताली। और जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर होते रहे हैं, इस साल वर्षा को ये अवार्ड मिला है और अभी अभी ये कॉन्वोकेशन से लौट रही है, गोल्ड मेडल लेकर के लौट रही है बच्ची। वर्षा न केवल बहुत अच्छा प्लेसमेंट ली है हमारे को, न केवल यूनिवर्सिटी टॉपर रही है, क्लास की पढ़ाई में हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती रही, रेगुलर रही कॉलेज में, सिंसियर रही, इसके साथ साथ ये बच्ची को एक्स्ट्रा मार्क्स में भी जॉब मिला था, कैंपस प्लेसमेंट मिला था, वहाँ उसने लगभग एक काम किया, एक महीने काम किया, उसके बाद फिर इसका सिलेक्शन हो गया ICICI बैंक में और अभी ICICI बैंक में हैदराबाद में पोस्टेड है, रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है और कॉन्वोकेशन से गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है, तो एक बार जोरदार ताली आप सब क्लैपिंग कर रहे हैं, एक दिन वो यहाँ बगल में मेरे साथ खड़े होंगे और उनके लिए बाकी क्लास क्लैपिंग करें, ये जज्बा होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप ही जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटी टॉपर बनते हैं और जो क्लासरूम में वहां बैठे होते हैं वही उठ करके यहाँ पर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वर्षा भी अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार अपने सीनियर्स लोगों से मिली होगी, जब क्योंकि बच्चे जब जॉब लग जाता है कॉलेज में कभी भी आते हैं तो हम लोग उनको क्लास में लेके जाते हैं कि मिलो अपने जूनियर लोगों से, तो कई लोगों से ये मिली होगी, देखी होगी उनको और आज खुद ये एक आइडियल बन के खड़ी है, तो एक बार जोरदार ताली फिर से। डेफिनेटली सर पूछ रहे थे तो पहले तो उसका आंसर चाहिए, मैं सारी क्लास में पहले यही पूछ रही हूँ, हाँ तो टारगेट अचीव होना है या नहीं, हाँ yes. हाँ मुझे पता लगना चाहिए, थोड़ा लाउड होना चाहिए।
डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करो, जो भी सर बता रहे हैं वो बेसिक से आपको बताते हैं, डेफिनेटली आपके लिए इम्प्रूवमेंट होगा और हर साल इम्प्रूव करना, फाइनली ये अचीव करना है। क्यों ये ना सही है।